आज हम बनाने वाले हैं सूजी की ऐसी मिठाई जो खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम डिलीशियस ये रेसिपी है। आप इसे रसगुल्ला भी बोल सकते हैं, चमचम बोल सकते हैं। सूजी से बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर पसंद आए तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये रसगुल्ले या चमचम बनकर तैयार होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सूजी के चमचम बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1.5 कप में पानी डाल रही हूँ, 1 कप, और 1/2 कप हम और डाल लेते हैं। साथ ही साथ इसमें 1 कप हम चीनी डाल लेंगे, 1 कप चीनी तो 1.5 कप हम पानी लेंगे। इसे अच्छे से हम मेल्ट होने तक पका लेंगे। चाशनी में अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसे लगातार 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे। चाशनी में उबाल आ गया है। चाशनी में आप चाहें तो इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें हम 1 कप दूध डाल लेते हैं और 1 चम्मच हम इसमें घी डाल लेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे से। अब मैंने यहाँ 1/2 कप सूजी ली है, ये बारीक वाली है। अगर आपके पास मोटी वाली है तो आप मिक्सी में चलाकर उसे बारीक कर लीजिए। बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, तभी हमारे रसगुल्ले या चमचम अच्छे बनेंगे। इसे थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करेंगे और बिल्कुल फास्ट हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। बहुत ही जल्दी ये तले में चिपकने लग जाएगा, तो इसे ध्यान से हम चलाएँगे और अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको दूध कम लगे तो 1 से 2 चम्मच आप दूध इसमें और डाल लीजिए। तो ये हमने पका लिया है। 1 चम्मच हम घी डाल लेंगे ताकि ये तले में चिपके नहीं, और इसे अच्छे से हम पका लेंगे जब तक कि अच्छे से डो की तरह ये तैयार ना हो जाए। जैसे आटा लगाते हैं एकदम ऐसा होना चाहिए। तो इसे चलाते हुए पका लेंगे, बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। देखिए अच्छे से तैयार हो गया है, एकदम चिकना। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का सा ठंडा कर लेंगे, ढककर हम इसे रख देंगे। इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है, हल्का सा मसल लेंगे और ढककर इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक बाउल लेंगे और उसमें हम 100 ग्राम मैंने यहाँ मावा लिया है तो ये डाल लेते हैं। खोया मैंने इसे घर पे ही बनाया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाल लेंगे, जिससे हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से 2 चम्मच मिल्क पाउडर और 2 चम्मच ही हम यहाँ नारियल का बुरादा डाल लेंगे। और कुछ बारीक कटे हुए मैंने यहाँ फ्रूट, ड्राई फ्रूट लिए हैं तो ये डाल लेते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीज़ों को, बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार होगी। हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। मीठा डालने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मावा पहले से ही मीठा है, मैंने उसमें पहले से ही चीनी डाल ली थी। अब हम इसमें से छोटी छोटी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही ऐसे बना लेंगे। देखिए सारी ही बॉल्स बनाकर हम तैयार कर लेंगे। अब ये सूजी का जो हमने मिक्सचर बनाया था वो बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। ज़्यादा ठंडा बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा गर्म हो तभी हम इसे मसल लेंगे। तो 1 चम्मच घी डालकर इसे अच्छे से हथेली से मसल लेंगे, बिल्कुल चिकना कर लेंगे। तो ये अच्छे से चिकना हो गया है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे अच्छे से गोल करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे ताकि हम इसमें स्टफिंग रख सकें। तो एक स्टफिंग की बोल लेंगे और इसमें डाल लेंगे और अच्छे से इसे बंद कर देंगे और हथेली पर अच्छे से इसे गोल कर लेंगे। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिलेंड्रिकल बना रही हूँ, जैसे चमचम होती हैं एकदम ऐसे ही हम बनाएंगे इसे।
तो पहले हथेली से गोल करेंगे और फिर प्लेट पे रख के हम इसे लंबा कर देंगे, बिल्कुल चमचम की तरह। बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही हम बना लेंगे। देखिए, एक और बना के दिखा रही हूँ मैं आपको। थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हथेली पर गोल करके सेंटर में थोड़ी सी जगह बना लेंगे हम, और इसमें हम स्टफिंग रख देते हैं। अच्छे से इसे बंद कर देंगे और हथेली पर ऐसे गोल करके और फिर हम लंबा कर लेंगे, जैसे चमचम होती है एकदम सिलेंड्रिकल शेप ऐसे। सारे ही हम ऐसे बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, ऐसे सारे बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अब एक एक करके हम इसे चाशनी में डाल लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो ये जल्दी से फटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम इनको पकाएंगे करीब करीब 5 से 6 मिनट के लिए, और इनको टच बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा हम हिलाते रहेंगे इन्हें। तो ये मैंने सारे डाल लिए, हल्का सा हम हिलाते रहेंगे ताकि इनके ऊपर से भी चाशनी अच्छे से चली जाए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही, और इसे 5 से 6 मिनट हम पका लेंगे। देखिए, इन्हें पकाते हुए करीब करीब 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये पहले से आपको फूले हुए दिखाई दे रहे होंगे। और गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाने हैं, क्योंकि सूजी को हमने दूध में अच्छे से पका लिया था और जो स्टफिंग है वो ऑलरेडी पकी हुई है। तो इसे पकाते हुए करीब करीब 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसे ऐसे घुमा लेते हैं, हल्का हल्के हाथ से, ज़्यादा नहीं घुमाना है। अब इन्हें हम 5 से 6 मिनट हमने इसे पका लिया है तो गैस को हम बंद कर देंगे। 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद हम 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम रस से भरे हुए हमारे चमचम बनकर तैयार हैं। मैंने इसे कोकोनट से, थोड़ा से नारियल के बुरादे से कोट कर दिया है। थोड़े से हम पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये फटाफट बना सकते हैं। रसगुल्ले बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन सूजी से बनी हुई ये मिठाई इतनी जल्दी तैयार हो जाती है कि आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे फैमिली में, फ्रेंड में, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी कैसी लगी। देखिए, कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल अंदर तक ये पके हुए हैं, क्योंकि अंदर तो स्टफिंग ही है तो वो तो ऑलरेडी पकी हुई है, और बाहर से जो हमने सूजी को पकाया है दूध में वो पहले से ही पकी हुई है। 5 से 6 मिनट हमने इसे चाशनी में पका लिया है। 2 से 3 घंटे आप इसको चाशनी में ज़रूर रखें और एकदम ठंडा होने के बाद ही इसे सर्व करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।